हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नॉकर। आज हम देखेंगे रीजनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के पजल्स वाले, उसको स्टार्ट करना कैसे। तो इसके ऊपर मैं बाद में सम्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि इसको टैकल कैसे करना है। तो बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट में थ्री टाइप्स के सम्स आते हैं, दिखाता हूँ आपको। एक तो सेंटर फेसिंग वाले, एक आउटर फेसिंग वाले, और तीसरा होता है सम पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर, सम पर्सन्स आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसको कैटा करना कैसे है, तो नॉर्मली जो सेंटर फेसिंग वाले हैं और ये आउटर फेसिंग वाला और ये मिक्स सेंटर प्लस आउटर फेसिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें बात करते हैं सेंटर फेसिंग में करना क्या होता है। जो भी हमारे पर्सन सेंटर फेसिंग है उनका लेफ्ट और राइट फाइंड करना होता है। जैसे कि अभी ये सपोज ये पर्सन है फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इसकी ज़रूरत क्या है हमें, क्योंकि सम्स में हमारे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि बी सीटिंग थर्ड लेफ्ट टू द सी, तो हमें लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए उनका लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो हमेशा एक बात याद रखिए, सेंटर फेसिंग में जो भी पर्सन सेंटर की फेस कर रहा है उसका लेफ्ट साइड लेफ्ट होता है और राइट, मतलब ये क्लॉकवाइज हम लेफ्ट बोलेंगे, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको राइट बोलेंगे। इसके अपोजिट में बिल्कुल आउटर फेसिंग है। आउटर फेसिंग में क्या होता है, जो भी पर्सन आउटवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है लाइक दिस, उसका ये साइड लेफ्ट होगा और ये साइड राइट होगा। मतलब ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो लेफ्ट है और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो लेफ्ट है और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो राइट है। समझ गए ना। सपोज इसका लेना है तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट, इसका लेना है तो ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट। ओके, और जो मिक्स सेंटर मिक्स वाले सम आते हैं जिसमें कुछ पर्सन सेंटर फेसिंग होते हैं कुछ पर्सन आउटर फेसिंग होते हैं, उसमें यही रूल्स फॉलो करने हैं, बस हमें आपका लोकेशन फाइंड करना होता है। तो अभी इन सम्स को स्टार्ट कैसे करें, तो एक बात रखिए, जब भी सेंटर फेसिंग वाला सम आ जाएगा तो जो भी पहला पर्सन आप लोगे उसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको लेफ्ट और राइट लोकेट करने में ईजी हो जाएगा। आउटर फेसिंग वाला सम आएगा तो उसका जो भी फर्स्ट पर्सन आप सर्कुलर अरेंजमेंट में ड्रॉ करोगे या फिर लिखोगे उसको यहाँ पे ड्रॉ करना, जिससे आपको लेफ्ट और राइट पता करना इजी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है, सेंटर प्लस जब आउटर फेसिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स है जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर एक एक वीडियो सम के ऊपर एक वीडियो लूँगा, उसको सॉल्व करके बताऊँगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन